हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिश न्यूज चैनल पर। डीडी फ्री डिश, जैसा कि आप सभी को पता है, फ्री चैनल्स प्रोवाइड करवाने वाला केवल एकमात्र डीटीएच है। आज हम जानेंगे कि अगर एक लोकल सेटअप बॉक्स हम परचेज कर लें और दूसरी तरफ एक डीडी फ्री डिश का ऑथोराइज्ड आई कैश सेटअप बॉक्स परचेज करें, तो इन दोनों में से किस सेटअप बॉक्स में सबसे ज़्यादा चैनल देखने को मिलेंगे। देखिए, एक तरफ डीडी फ्री डिश का ऑथोराइज्ड आई कैश सेटअप बॉक्स है और दूसरी तरफ लोकल कंपनी का एक MPG2। हमने यहाँ पर MPEG-2 बॉक्स लिया है, ना कि MPEG-4। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों सेटअप बॉक्स में से जितने भी चैनल हैं उनको रिमूव कर देते हैं। आई कैश सेटअप बॉक्स में हमें फैक्ट्री सेटिंग में जाकर फैक्ट्री डाटा रीसेट करना पड़ेगा और MPEG-2 में हमें सभी चैनल्स को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं और अब स्कैनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। स्कैनिंग के लिए MPEG-2 में तो सेटिंग में जाना, ऑटो स्कैन करना है, लेकिन आई कैश सेटअप बॉक्स में अगर रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिक स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि टाइम बच सके। तो डीडी फ्री डिश के जो ऑथोराइज्ड आई कैश सेटअप बॉक्स है उसमें तो चैनल स्कैन हो चुके हैं और टोटल हमें चैनल्स मिले हैं 116। तो अब देख लेते हैं MPEG-2 में भी कितने मिलते हैं। तो यहाँ पर MPEG-2 में भी 156 चैनल्स आ चुके हैं। अगर हम यहाँ चैनल्स देखेंगे तो आई कैश सेटअप बॉक्स में हमें MPEG-4 बॉक्स के चैनल्स भी कुछ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये चैनल लिस्ट है, यहाँ पर ये सभी के सभी MPEG-4 बॉक्स के चैनल्स हैं जो कि MPEG-2 बॉक्स में देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर MPEG-4 का जो DDHD चैनल है वह नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको चैनल लिस्ट में DDHD तो देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लैक स्क्रीन ही देखने को मिलती है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर अपने चैनल्स को देखें कि इतने चैनल्स MPEG-2 में कैसे मिल गए, जबकि डीडी फ्री डिश के ऑथोराइज्ड आई कैश सेटअप बॉक्स में इतने चैनल्स नहीं मिले। तो यहाँ पर हम चैनल लिस्ट के चैनल नंबर लास्ट पर चलते हैं। यहाँ 156 चैनल स्कैन हुए हैं। 156 चैनल्स में आप देखेंगे कि DDPM e-Vidya इस प्रकार के चैनल जो कि एजुकेशनल चैनल हैं, ये भी डीडी फ्री डिश के एक MPEG-2 बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि डीडी फ्री डिश के आई कैश सेटअप बॉक्स में ये चैनल स्कैनिंग में नहीं आते। और दूसरी चीज़, MPEG-4 के चैनल आपको आई कैश सेटअप बॉक्स में मिले, लेकिन यहाँ पर 21 चैनल देखने को नहीं मिलेंगे। आपको केवल डीडी स्वयं प्रभा, DDPM e-Vidya, MHRD इस प्रकार के चैनल यहाँ एक्स्ट्रा मिलेंगे। और साथ ही साथ डिश टीवी की तरफ से अगर कोई चैनल फ्री टू एयर होगा तो वह भी डीडी फ्री डिश के आई कैश सेटअप बॉक्स में नहीं आएगा, लेकिन लोकल MPEG-2 या MPEG-4 बॉक्स में देखने को मिलेगा। फिर डिश टीवी की तरफ से ये टेस्ट स्लॉट जारी किए गए हैं। टेस्ट स्लॉट पर जी के कुछ चैनल चल रहे थे, वो बंद हो गए। अब उनका स्थान अभी भी खाली दिखाई दे रहा है। इसी वजह से MPEG-2 बॉक्स में हमें चैनल ज़्यादा मिलते हैं। अगर एजुकेशनल चैनल देखना चाहते हैं तो डीडी फ्री डिश के आई कैश सेटअप बॉक्स में वह नहीं मिल रहे, लेकिन किसी भी लोकल बॉक्स में उन्हें देखा जा सकता है। तो ये था कंपैरिजन। तो आज की ये कंपैरिजन अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।